फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्किट रीडर्स। ट्यूजडे, मंडे के बाद ट्यूजडे, सावधान इंडिया थंबनेल में आपने देख लिए होंगे, सावधान ट्रेडर्स। ओके, मैं क्यों सावधानी बता रहा हूँ, क्या है इसके पीछे राज, क्या आपको कॉल पोजिशन में रहना है या पुट पोजिशन में रहना है, इन तमाम टॉपिक को इस सिलेबस के अंदर मैं कंप्लीट करूंगा। और ये जो हमारा यूट्यूब वीडियो होता है हर डे का, निफ्टी बैंक निफ्टी का वीडियो, आई होप कि ये कोई लर्निंग क्लासेस से कम नहीं होता है। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को इसके माध्यम से निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक सिंपली ट्रेंड लाइन एनालिसिस प्राइस एक्शन एनालिसिस मैं इसी के अंदर कवर करने का कोशिश करता हूँ। देखिए, मैं पिछले दिन ही बताया था, फ्राइडे का सेशन का जो वीडियो बनाया था वहीं पे बताया था, बैंक निफ्टी के ऊपर बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस मुझे नहीं लग रहा है और क्लियर वही होता हुआ दिखाई दिया आज बैंक निफ्टी में। कल के लिए सपोर्ट बैंक निफ्टी का कहां बनता है और कहां जा सकता है पॉजिटिवनेस। देखिए, ग्लोबल मार्केट अगर पॉजिटिव आएगा तो मार्केट को मॉर्निंग सेशन में एक पॉजिटिवनेस ओपन कर सकता है, पॉजिटिवनेस ओपन कर सकता है। मैं इसके पीछे पॉइंट आपको बताऊंगा। यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये ट्रेंड लाइन कहाँ जा रहा है, मतलब ये ट्रेंड लाइन का जो हाई पॉइंट रहेगा ये आपको रेसिस्टेंस बन जाएगा कल के लिए बैंक निफ्टी का, राइट। ये आपको रेसिस्टेंस पॉइंट बन गया है 36,700। जब तक ना 36,700 से ऊपर मार्केट सस्टेनेबल नहीं हो रहा है, बैंक निफ्टी के अंदर कॉल साइड मत रहिए। क्या कहा हूं, जब तक ना सस्टेनेबल होता है, ओके, जब तक ना इस लेवल के ऊपर कोई कैंडल बनता है और वहां पे सस्टेन होता है तब तक आपको बाइंग साइड नहीं रहना है। जब तक ना इस लो लेवल को ब्रेक कर रहा है तब तक आपको पुट साइड भी नहीं रहना है। और आई होप कि सुबह का फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल के अंदर ही आपको ये जलवा जरूर दिखाएगा, या तो अप साइड ब्रेक होगा या डाउन साइड ब्रेक होगा। अब बोलेंगे सर कोई एक साइड बताओ, कॉल साइड या पुट साइड। देखो, मार्केट का सिचुएशन को समझना है हमें, प्राइस एक्शन के हिसाब से पॉइंट पे ट्रेड करना है, राइट। अगर पॉजिटिव जाएगा तो हम कॉल साइड जाएंगे, नेगेटिव चला गया तो हम पुट साइड जाएंगे। कोई कैरी फॉरवर्ड पोजीशन मेरा डिक्शनरी में नहीं है, यानी कि मैं कभी नहीं कहता हूं कि मार्केट को कैरी फॉरवर्ड कीजिए। मुझे आज निफ्टी का जो चार्ट है, आई थिंक आप बैंक निफ्टी का चार्ट समझ गए होंगे, ओके, 15 मिनट के चार्ट से मैं समझा दिया हूं। एंड ऑन डे का चार्ट से यहां पे क्या बन रहा है, देखो जो सपोर्ट लेवल यहाँ पे ड्रॉ होता हुआ निकलेगा, इस ट्रेंड लाइन को मैं अभी यहाँ से हटा रहा हूँ, एंड सपोर्ट लेवल का जो लाइन यहाँ पे दिखता हुआ मिल रहा है आपको, लगभग क्लियर ही पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है कल के लिए, वो है 36,500। अगर 36,500 को ब्रेक हुआ कितने पॉइंट डाउन जा सकता है, तो मैं फर्स्टली पॉइंट आपको बताऊंगा 36,320। ध्यान दीजिएगा, नोट करके रखिएगा, लिख के रखिएगा, 36,320 कौन सी लेवल को ब्रेक होने के बाद, 36,500 लेवल को ब्रेक होने के बाद, डाउन ब्रेक होने के बाद, रेसिस्टेंस 36,700। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। चलिए, ओके, नेक्स्ट चैप्टर क्या है कि इस लेवल को भी ब्रेक करेगा तो कहां तक जा सकता है दोस्तों, 36,000। हमें क्लियरली इस चीज को ध्यान देना है कि ब्रेक होकर सस्टेनेबल हो रहा है कि नहीं, अदरवाइज क्या होता है, जब सपोर्ट आएगा तो यहाँ से फिर वापस हो जाएगा और आप लोग इस पिन पॉइंट को समझ नहीं पाते हैं और यहाँ पे हो जाता है बड़ा लॉस। जिस दिन मुझे बैंक निफ्टी या निफ्टी के अंदर क्लियर सिचुएशन नहीं आता है, मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं स्टॉक का ऑप्शन पे ट्रेड करता हूँ। जैसे मैं आप लोगों को जो हमारा टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे क्या दिया था, दो स्टॉक दिया था, लोग डर गए थे जब हम स्कॉट दिया था, और हमारे जिन्होंने क्लास का सीट बुक किए हैं उनको कंटिन्यू सेप्टेम्बर का जिन्होंने सीट बुक किया है उनको मैं सुबह से कंटिन्यू स्कॉट का कॉल होल्ड 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 करा रहा था। ऑलमोस्ट 55 सीट बुक हो चुका है, आई थिंक आपको मौका नहीं मिलेगा 10 सितंबर के लिए। अगर आपको इमरजेंसी है तो बहुत जल्दी सीट बुक कीजिए, नहीं तो सीट नहीं मिल पाएगा 10 सितंबर का। सरकार ट्रेडर्स एक ऐसे ट्रेडर्स है जो कि इंडिया के अंदर आपको पहले से कॉल देता है, उसके बाद बोलता है हमारा एक्यूरेसी आप टेलीग्राम चैनल पर देखो, आपको जो एक एक कॉल दे रहा हूँ उसमें देखो, फिर आप सीखो, बिना सीख के ट्रेड मत करो। बहुत सारे फ्रेंड्स आता है, सर हमारा अकाउंट को हैंडल कर दीजिए। नो, अकाउंट हैंडलिंग देने का गलती कभी मत कीजिएगा। ये हमारा फुल टेक्निकल एनालिसिस प्लेटफॉर्म है जिसे आपको समझाया जाता है, सिखाया जाता है इंटरडे के अंदर कहाँ पे आपको पिन पॉइंट बाइंग करना है। अब मैं बातों बातों में आ चुका हूँ कहाँ पे, निफ्टी का चार्ट पे क्या चीज दिखाई दे रहा है आपको, एक क्लियर तेजी के बाद एक रेड डोजी कैंडल बनता हुआ।
अब इसका आगे अगर कल का ओपनिंग इस लेवल से नीचे होता है, निफ्टी को ध्यान दीजिएगा, अगर इस लेवल से नीचे होता है और इसको हाई को ब्रेक नहीं कर पाता है तो कौन सी कैंडल का टाइम फ्रेम आता है, कौन सी फ्रेम आता है ये कैंडल स्टिक पैटर्न में? आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा जी कौन सी फ्रेम आता है। ओके, इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार आने के बाद क्या होता है? तो ये तो एक सिंपली पार्ट होता है कैंडल स्टिक पार्ट की, कौन सी कैंडल के बाद कौन सी कैंडल बन सकता है, बनने के बाद क्या प्राइस एक्शन आ सकता है। तो आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कल क्या इस लो को ब्रेक कर रहा है निफ्टी, ऑन डे का चार्ट में समझा दिया हूं, क्या इस लो को ब्रेक कर रहा है निफ्टी, अगर इस लो को ब्रेक करेगा तब आपको पुट साइड में रहना है। देखिए एक बी केयरफुल, कंटिन्यू निफ्टी भाग रहा है। मैं पहले भी एक दिन आपको दिखाया था आरएसआई एनालिसिस कि आरएसआई आपको ओवरबॉट जोन में चल रहा है, कोई कमेंट सेक्शन में कुछ कहेंगे आई डोंट नो, ओके, बट मैं लेवल से चलता हूं, लेवल के ऊपर ही ट्रेड करूंगा। कल के लिए मैं पुट साइड तो भी कैरी करूंगा, कब, जब 17,340 एंड 50 के नीचे मार्केट ट्रेड करना शुरू करेगा, 40 के नीचे मार्केट ट्रेड करना शुरू करेगा तो मैं पुट साइड में जाऊंगा। कॉल साइड में कब जाऊंगा, देखो आईटी सेक्टर कंटिन्यू भाग रहा है, तो एक आईटी सेक्टर है कि मार्केट को तेजी दिला रहा है। इससे पहले रिलायंस था, रिलायंस ने आज थोड़ा सा थकावट आया है और रिलायंस के अंदर ये थकावट निफ्टी को थोड़ी सी थकावट दिया है। आईटी सेक्टर कितने पॉइंट चढ़ चुका है बट रिलायंस नहीं चढ़ पाया है तो निफ्टी के अंदर इतना तेज नहीं आया है। ओके, चीजों को समझना है, ये निफ्टी किससे चलता है, निफ्टी क्या है। कोई लोग बोलता है सर निफ्टी क्या है, तो मैं उनको वैसे ही जवाब देता हूं, भाई निफ्टी 50 स्टॉक का समूह है, परिभाषा निफ्टी का। ओके, तो आपको इस एनालिसिस के हिसाब से चलना है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे जो चीज मैं यहाँ पे समझा रहा हूं। ये ट्रायंगल बेस पे निफ्टी चल रहा है, निफ्टी इस ट्रायंगल बेस को ब्रेक करेगा, हाई लेवल कहां जा रहा है, 17,400 से ऊपर जाएगा, आपको बाइंग करना है। डाउनसाइड 17,340 लेवल को ब्रेक करेगा तो हमें पुट साइड में जाना है, अदरवाइज इसका बीच में अगर रहता है तो आपको यह मौका ढूंढना है, क्या यहाँ पे जाते ही आपको ऑप्शन चेन में रेसिस्टेंस मिल रहा है, क्या यहाँ पे आते ही आपको ऑप्शन चेन में सपोर्ट मिल रहा है, तो हो सके इसके बीच में थोड़ी देर और बिता सकता है। मैं चलता हूं बातों बातों में ऑप्शन चेन के अंदर। ये हुआ है निफ्टी का आज का क्लोजिंग ऑप्शन चेन, राइट, ये हुआ है आपको लास्ट क्लोजिंग ऑप्शन चेन। और यहाँ पे हम एट द रेट मानी के ऊपर लाइन खींचेंगे, और जो एट द रेट मानी के ऊपर लाइन खींचेंगे तो यहाँ पे कौन सी पोजिशन आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों कॉल साइड में एंड पुट साइड में दोनों साइड हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे जो एक मैग्नेटिक लेवल, एक लक्ष्मण रेखा बनता हुआ आ रहा है वो है 17,400 सबसे पहली बात। ओके, अभी क्लोजिंग कहां पे हुआ है, 17,377 पे क्लोजिंग हुआ है, 17,377 पे क्लोजिंग हुआ है लक्ष्मण रेखा, मैं बता रहा हूं 17,400, राइट, इससे ऊपर चलेगा तो नेक्स्ट लेवल बनेगा 17,450, इसका डाउन साइड बनेगा तो बनेगा 17,350 to 40। ओके, इस लेवल को ब्रेक होगा तो आप ट्रेड करेंगे। देखिए आज मैं एक कॉल दिया था 36,700 का सीई, मैं कॉल देने का थोड़ी देर बाद 310 रुपया में दिया था, मैं 300 रुपये के पास आपको अलर्ट कर दिया था ये कॉल आपको स्टॉप लॉस जा सकता है। तो ये एनालिसिस होता है कि स्टॉप लॉस जाएगा, मैं आपको पहले से ही आगाह कर दिया हूं और बाद में क्लियर स्टॉप लॉस जाता हुआ भी दिखाई दिया है। मार्केट पूरा रेंज बाउंड के अंदर था, बैंक निफ्टी, निफ्टी भी एक बार ऊपर एक बार नीचे जा रहा था, यहाँ इसके बीच में सपोर्ट ढूंढता हुआ मैं आपको 17,400 का कॉल दिया था, जो कि 90 में बाय करो 100 का टारगेट विद इन 20 मिनट में आपको टारगेट दिखाई दिया। तो ये सारे पिन पॉइंट आपको समझना है। अदानी एंटरप्राइज, अदानी एंटरप्राइज में कॉल ऑप्शन दिया था आपको, बहुत अच्छा खासा जिन्होंने ट्रेड किए होंगे अच्छा खासा प्रॉफिट कमाए होंगे, तो आई थिंक कि आप निफ्टी का ऑप्शन चेन को समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैं 17,400 लेवल को मार्क किया हूँ, इससे ऊपर नहीं जाएगा तो हमें कॉल साइड नहीं जाना है, हमें देखना है क्या कॉल साइड में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, अगर इंक्रीज होगा तो हमें क्या करना चाहिए, अगर यहाँ पे इंक्रीज होगा तो हमें पुट साइड में रहना चाहिए, अदरवाइज फिलहाल अभी तक पुट साइड में हमें इंक्रीज थोड़ी बहुत दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे भी केयरफुल रहिएगा, कोई क्लियर पिक्चर नहीं है, रेड कैंडल बना है ऑन डे का चार्ट में, दोजी कैंडल बना है, तो ये एक डाउन इंफॉर्मेशनल कैंडल है, लेकिन हम कंफर्म कब होंगे, जब आज का लो को ब्रेक करेगा, राइट, कोई कंफ्यूजन नहीं है,
बहुत क्लियरली मैं चार बात यहाँ पे बताया हूँ। निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करने के लिए बहुत ज्यादा चीज हमें नहीं चाहिए इसके अंदर। हमें रिलायंस का चाल को देखो, बैंक निफ्टी का ट्रेड करना है तो आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इनको चार्ट को देखो। ओके, बैंक निफ्टी के लिए फिलहाल सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है, 36,500, जो कि अभी का क्लोजिंग कहाँ पे हुआ है, 36,590 पे क्लोजिंग हुआ है। अगर सुबह के सेशन में ही एक या दो मिनट में 500 को ब्रेक करके सस्टेनेबल होता है, उससे नीचे जाता है, तो सुबह का 10 मिनट में ही आपको प्रॉफिट हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे कॉल आपको मिल जाएगा पुट साइड का। ओके, आई होप कि कोई डाउट वाले बात मैं यहाँ पे करूंगा नहीं। जब मार्केट क्लियर होगा तो क्लियर बात करूंगा, जब मार्केट धोजी या दुविधा में रहेगा तो मैं आपको रेंज बता दूंगा कि इस रेंज को ब्रेक होगा तभी आप ट्रेड कीजिए। यहाँ पे अगर ऑप्शन चेन के ऊपर थोड़ा सा गहराई एनालिसिस किया जाए कि वॉल्यूम कहाँ पे जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब लोगों का इंटरेस्ट उस जगह पे ज्यादा है, तो यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है 36,800 एंड वॉल्यूम जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है 36,500। तो ये जो 300 पॉइंट का रेंज है, ये 300 पॉइंट का रेंज थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं किस लेवल का आपको एनालिसिस दे रहा हूँ। अगर मार्केट में बिल्कुल नए हैं आप, तो मैं बोलता हूँ मार्केट में आपको मेहनत का पैसा डुबाइए मत। एक एक दिन में 5, 10, 20, 50 हजार रुपया डुबाइए मत, क्योंकि ये मार्केट बिना लर्निंग का नहीं बनता है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये पूरा टॉपिक आपको सही लगा होगा। आईटी सेक्टर के ऊपर थोड़ा पॉजिटिव ध्यान दीजिए एंड बैंकिंग सेक्टर के ऊपर थोड़ा नेगेटिव ध्यान दीजिए। निफ्टी के ऊपर अपना लेवल पे काम कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।